गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी फरियाद, निस्तारण के दिए आदेश, गौशाला में गायों को भी दुलारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार विधानसभाओं के लिए कुल लगभग 575 करोड़ रुपए की लागत के 35 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा समय से किया जाए विकास कार्यों को पूरा, 15 मई तक बाढ़ से बचाव की तैयारियों को करें पूरा, गोरखपुर में भी चलेगा मेट्रो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनवा में 83 करोड़ 65 लाख से अधिक लागत की 13 परियोजनाओं का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण, घघसरा बाजार को नगर पंचायत किया घोषित, कहा कोरोना काल के इस दौर में अभी सावधानी की है आवश्यकता, हमें अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए होगा सोचना। दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रविवार की शाम लखनऊ के लिए हुए रवाना। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। स्वर्गीय ओमलता शाह की 13वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों व असहायों में किया कंबल और स्वेटर का वितरण, कहा गरीबों की सेवा पुनीत कार्य, सक्षम लोग आए सामने और करें गरीबों की मदद। नवजात शिशु के जन्म पूर्व दिए गए गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर जिला प्रशासन द्वारा सील किए गए 3 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को लेकर IMA ने किया मुख्यमंत्री से मुलाकात, रखी अपनी बात, सीएम योगी ने कहा उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर किया जाएगा मामले की जांच। गोरखपुर में रविवार को मिले 34 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,087, अब तक 345 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 280 हुए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। संस्कार भारती के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन की स्मृति में आयोजित हुई वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी, कलाकारों ने प्रकृति, बचपन को बचाने, बालाश्रम, महाभारत युद्ध जैसी चित्रकला की प्रस्तुति, डॉक्टर केतन को किया याद। और NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष मनीष ओझा ने पार्टी नेताओं पर दलाली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा युवाओं के लिए संघर्ष रहेगा जारी।